हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो क्लास 11th का फिजिक्स का आपका 8th चैप्टर है ग्रेविटेशन, आखिरकार उसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि फटाफट से आपको निकाल लेनी है अपनी एनसीईआरटी की बुक और निशान लगाना स्टार्ट कर देना है कि बेसिकली आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे वो एनसीईआरटी के हो, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप उस सारे क्वेश्चंस को कर लोगे गाइस, तो काफी अच्छे मार्क्स जो है आप एग्जाम में गेन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तब अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर 8.1 की, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन पिछले कुछ भी कई सालों में जो है पूछा जा ही नहीं रहा, और बेसिकली ऐसा इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर कभी करना भी नहीं चाहेगा। बट अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल नंबर 8.2 की, तो वो गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली वो आपको करके ही जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जरा सा भी रिस्क जो है बिल्कुल नहीं ले सकते जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा खतरा बना रहे। तो चलिए आप भी आगे बढ़ाते जाइए और हम देखते हैं कि क्या कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली अब तक तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जो एग्जाम्पल 8.3 है वो गाइस बहुत 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 वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली वो आपको एग्जाम से पहले करके ही जाना है, सो दैट कि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सको। और उसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप वही बच्चे कहेंगे मैम एग्जाम्पल नंबर 8.4 इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं करके जाना। साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8.5 की, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 8.6 की, बहुत बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आपको करके चले जाना है। वहीं अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 8.7 की, तो वो गाइस आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो आखिरकार आप अपना टाइम इस तरह की क्वेश्चंस में क्यों वेस्ट करोगे, ठीक है? तो हम लोग गाइस यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपका एग्जांपल नंबर 8.8 इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आखिरकार हम क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पे चैप्टर हमारा एकदम एंड के उस पे आ गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भी एक्सरसाइज में आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज में आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो है आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8.12, साथ ही है क्वेश्चन नंबर 8.13, साथ ही आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 8.14, और साथ ही आप लोग कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8.15, और उसके साथ ही जो आपको क्वेश्चन करना है वो है आपका 8.18 वाला क्वेश्चन, साथ ही में आपको कर लेना 8.20 वाला क्वेश्चन। तो गाइज अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो, तो मैं इस बात का दावा करती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। और इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, तो वो गाइज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ करके उसको जल्दी से देख लो, सो दैट कि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी छवि बनाना चाहते हो अपने पेरेंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने। अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोस को अपलोड करने में। और घंटा भी दबा देना है, सो दैट कि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।